नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन फैक्टर और डायनामिक मैग्नीफायर, कोई भी नाम दे लीजिए, तो इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमें क्या करना होगा, जो पिछले लेक्चर हैं वो हमें ध्यान से समझने होंगे, जो हमने पहले किए थे, तो उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इससे पहले हमने फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था, अगर आपकी याद हो तो। उसके अंदर हमने देखा था फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होती है। जैसे कि ये सिस्टम था हमारे पास, यहाँ पर एक तो लगा होता है स्प्रिंग, तो ये हम ले लेते हैं कि ये स्प्रिंग है, और दूसरी तरफ क्या लगा होता है डैम्पर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डैम्पर है। अब ये मास एम यहाँ पर लगा होता था, ऊपर फिक्स सपोर्ट होती थी। अब जैसे ही हम उसको फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब है एक बार फोर्स लगाकर छोड़ देना, तो जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते थे, हम मान लेते हैं कि ये जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट लेता था जब हम इस पर फोर्स लगाते थे, आपकी याद हो, और यहाँ पर हम फोर्स को लगाते थे, एक बार लगाकर छोड़ देते थे, तो ये फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाती थी। लेकिन अगर हम क्या करें, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता था, सेम सिस्टम हम लेते थे, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स हम अप्लाई करते थे वो हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते थे, यानी कि जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम इस पर अप्लाई करते रहेंगे बार बार। अगर हम इसको ऐसे समझे कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक बार फोर्स लगाई, लेकिन जो पीरियोडिक फोर्स है वो बार बार अप्लाई होती रहेगी, जब भी वो नीचे आएगा बार बार हम उसको अप्लाई करते रहेंगे, तो पीरियोडिक फोर्स ये होती है। इस फोर्स को हम स्टैटिक फोर्स बोलते हैं, तो एफ से डिनोट करते हैं। ये जो फोर्स थी ये हमने क्या ली थी, आपके याद हो, एफ एक्स ली थी, और एक इसके बराबर ली थी एफ कोस ओमेगा टी, इसके बराबर ली थी जो पीरियोडिक फोर्स थी, यानी कि सिंपल हार्मोनिक फोर्स होती है ये, जब बार बार हम इसको मोशन देते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, यानी कि अप और डाउन ही मूवमेंट यहाँ पर होता है। तो ये हमने पहले पढ़ा था। अब अगर हम फ्री जो वाइब्रेशन है, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन है, इसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी सीसी, यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट जो है 2m ओमेगा n के बराबर होता है। ये कब होता है, जब रूट्स इक्वल होते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में होता है ये, तो ये हमने पहले पढ़ा था। और इसके अलावा हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है। डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर हमारा दो चीजों का रेशियो होता है, जो एक तो एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशियंट है, जिसकी जगह हमने यहाँ पर सीसी यूज किया है, और ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट है, यानी कि सी बाय सीसी जो होता है डैम्पिंग फैक्टर होता है, ये भी याद रखना है। अगर हम यहाँ पर सीसी की वैल्यू को पुट करते हैं, 2m ओमेगा n ये आ जाती है सीसी की वैल्यू, क्योंकि ये है, तो डैम्पिंग फैक्टर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये पीछे जो लेक्चर्स हैं उनका ओवरव्यू ले रहे हैं। अब हमें बात करनी है जो मेन टॉपिक है, अगर ये हमारा क्लियर हो जाता है, मैग्नीफिकेशन फैक्टर है क्या। पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, जिसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं, ये हमने निकाला था। तो ये इसकी रिलेशन हमारे पास क्या थी, जो एक्स मैक्स था वो था हमारे पास एक्स नॉट डिवाइड में अंडर रूट सी स्केयर ओमेगा स्केयर बाई एस स्केयर प्लस वन माइनस ओमेगा स्केयर डिवाइड में ओमेगा एन का स्केयर और इसका होल का स्केयर। ये हम पहले निकाल चुके हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए जो एम्पलीट्यूड था। अब यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर है उसका रोल आता है। मैग्नीफिकेशन फैक्टर, जैसा कि इसको नाम दिया गया है, किस चीज को मैग्नीफाई करना, किस चीज को बड़ा करके देखना, कैसे, जैसे जूम करते हैं हम, किस चीज को जूम करके देखना, 3x 4x 10x 100x, यानी कि जितना मर्जी आप उसको मैग्नीफाई कर लें, बड़ा करके देखना। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है हमारा दो चीजों का रेशियो होता है, एक तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन का, टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टेटिक फोर्स। अब ये हमने देखा फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर देखिए, इस स्टेटिक फोर्स के कारण हमने डिफ्लेक्शन को एक्स नोड मान लिया, और यहाँ पर इसको हम एक्स मैक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीजों का रेशियो बनता है, जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है, यानी कि ये जो पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके कारण से ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह लीजिए, डिवाइड में ये जो डिस्प्लेसमेंट था इस स्टेटिक फोर्स के कारण। तो ये चीज यहाँ पर बताई है कि ये रेशियो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी कि एक्स मैक्स, टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक फोर्स, यानी कि एक्स नॉट। अब एक्स मैक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, अगर हम इसको एक्स नॉट से डिवाइड कर दें, जैसे ये है, तो यहाँ पर एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, वन डिवाइड में सारी रिलेशन, जो कि तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब इस रिलेशन को हम सोल्व कर लेते हैं, ये रिलेशन है हमारे पास। अब यहाँ सी ओमेगा बाय एस, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, जो c ओमेगा बाय s है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 2c ओमेगा आ जाएगा, और इसी तरह से नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो ये 2s आ जाएगा। उसके अलावा अब हम क्या करें,
ऊपर और नीचे दोनों को जो है m से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर अगर हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा इसको, और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर m आ जाएगा। ये क्लियर है, हमने क्या किया 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया पहले, तो यानी कि ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, और m को जो है फिर ऊपर और नीचे उसको भी हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो m यहाँ पर आ जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो s बाई m आ जाएगा। ये हमने किया क्यों है, ताकि हम एक यहाँ पर फॉर्मूला बना सकें। फॉर्मूला कौन सा था, सी, वो क्या था हमारे पास 2m ओमेगा n, ये फॉर्मूला था क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट का, तो उसको ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 2c ओमेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये आया है 2m s by m, s by m को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा n लिख सकते हैं। तो ओमेगा n जो है हमारे पास क्या होता है, s by m के बराबर होता है, लेकिन ओमेगा n जो है अंडर रूट में होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। तो इसलिए जो s by m है इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, ओमेगा n का स्केयर ले लेंगे। ये ध्यान रखना है, ओमेगा n होता है अंडर रूट s by m, ओमेगा n का स्केयर आ जाएगा s by m। तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर ये 2m ओमेगा n का स्केयर बन गया। अब ये जो 2m ओमेगा n है ये cc के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या आ गया 2c ओमेगा आ गया, और नीचे ये क्या आ जाएगा cc, और उसके साथ एक ओमेगा n यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि ओमेगा n का स्केयर है, 2m ओमेगा n है, 2m ओमेगा n वो तो cc बन गया, एक ओमेगा n यहाँ पर रह जाएगा। यानी कि इसकी जगह हमने क्या लिखना है, ये लिखना है। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर जब इसकी जगह हम ये लिख देंगे 2c ओमेगा cc ओमेगा n, तो इसका स्केयर आ जाएगा, क्योंकि सारा स्केयर है, और बाकी ये जो है रिलेशन इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है या डायनामिक मैग्निफायर है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो एक्स मैक्स है इसकी वैल्यू है क्या, यानी कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए जो सिंपल हार्मोनिक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एफ कोस ओमेगा टी, तो वो होगा क्या। तो यहाँ पर सिंपल हमें दिखाई देता है कि एक्स मैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्निफिकेशन फैक्टर को यानी कि जो डी है इसको एक्स नोट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो स्टेटिक फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन थी। तो ये जो है हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है उसके लिए एक्स मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने रिलेशन निकाली है यहाँ पर भी हम दो तरह के केसेस ले लेते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी डैम्पिंग ना हो तो क्या होगा, अगर कोई भी डैम्पिंग ना हो यानी कि जो सी है उसकी वैल्यू क्या हो, जीरो हो जाए। तो यहाँ पर जब हम सी की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास वन डिवाइड में, अब ये तो जो टोटल टर्म है जीरो हो जाएगी क्योंकि सी की वैल्यू को हम जीरो ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या बचेगा, वन माइनस ओमेगा स्केयर डिवाइड में ओमेगा एन का स्केयर यही है, और नीचे क्या है इसमें अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट भी हम ले लेंगे। अब देखिए अंडर रूट और स्केयर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा एन का स्केयर जो है ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा एन का स्केयर हम ऊपर ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ओमेगा एन स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, ओमेगा एन का स्केयर माइनस का ओमेगा स्केयर, ये जो है हमारे पास रिलेशन आ जाती है। देखिए यहाँ पर स्केयर के साथ हमने अंडर रूट को कैंसिल आउट किया, यहाँ पर एलसीएम लिया ये आ गया और ये ऊपर चला गया। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारे पास बनती है जब कोई भी डैम्पिंग नहीं होती, यानी कि सी जो है कोफिशियंट जो है डैम्पिंग कोफिशियंट वो जीरो होता है। इसी तरह से रेजोनेंस के ऊपर भी हम दूसरा केस ले सकते हैं, एट रेजोनेंस क्या होगा, जो ओमेगा है वो ओमेगा एन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ओमेगा ओमेगा एन के बराबर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी ओमेगा एन वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास रिलेशन बचती है। और जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये जो डी है यानी कि एक्स मैक्स बाय एक्स नोट की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने यही बात की, डी जो है एक्स मैक्स डिवाइड में एक्स नोट, इसी की बात कर रहे हैं जो ये आया था। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन है, ये एस है ऊपर चला जाएगा अंडर रूट से बाहर आकर, स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, सी ओमेगा। और यहाँ पर ओमेगा की जगह हमने क्या पुट करना है, ओमेगा एन, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा एन हमें पुट करना है ओमेगा की जगह, तो यहाँ पर पुट किया तो जीरो आ गया, सी ओमेगा एन नीचे रह गया, एस जो है ऊपर चला गया। तो इस तरह से डी की वैल्यू जो है इस केस के लिए भी हम निकाल सकते हैं एट रेजोनेंस पे, यानी कि ओमेगा इक्वल टू जहां पर ओमेगा एन होगा। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन फैक्टर को हम देख सकते हैं कि वो क्या आता है हमारे पास, एक्स मैक्स उसके लिए क्या रहता है,
डायनामिक मैग्नीफायर क्या है, तो इस तरह से हम इस रिलेशन को समझ सकते हैं। बस पिछले लेक्चर में हमारे क्लियर होने चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।